हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज जो है हम वो JEST का 15 सितंबर 2021 वाला जो पेपर है कंप्यूटर पोर्शन, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा जो है वो कंप्यूटर पोर्शन सॉल्व करूंगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये आज का पेपर है और थोड़ा इसको जूम कर लिया है मैंने, आप देखते हैं। 91 है, मुंतजा जेल में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम पहले तो पता करना होना चाहिए, इस आंसर का जवाब देने के लिए। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम वो होता है जो भी आप इंटरनेट के थ्रू आप भी कोई भी ऐसा काम करते हैं उसे साइबर क्राइम कहता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक हैकिंग हो गई, पासवर्ड चुराना हो गया, इंटरनेट या ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसको आप साइबर क्राइम कहते हैं। तो अब स्टीलिंग पासवर्ड, ठीक है, ये भी साइबर क्राइम में आता है। हैकिंग सोशल मीडिया, ये भी साइबर क्राइम में आता है। और कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड, ये भी साइबर क्राइम में आता है। एक चीज जो है साइबर क्राइम में नहीं आती, स्टीलिंग अ बुक, ठीक है, बुक चुराना साइबर क्राइम में नहीं आता। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 92 की, ठीक है। 92 क्या कह रहा है, वो कौन सा वायरस है जिसने यूनाइटेड किंगडम की कौमी हेल्थ सर्विस पर हमला किया था। तो वो एक ही वायरस है, वो है वाना क्राई रैंसमवेयर, ठीक है। ये वो वायरस है जिसमें हैकर्स जो हैं हैक कर लेते हैं। अमूमन जो है आप लोगों के कंप्यूटर में भी जो है वो किसी के कंप्यूटर में, शायद किसी ने ये इस दौर से गुजरा हो कि उसके कंप्यूटर हैक कर लेते हैं हैकर्स रैंसमवेयर, फिर वो पैसे मांगते हैं। किसमें? डॉलर्स में पैसे मांगते हैं या बिटकॉइंस में मांगते हैं पैसे, और वो बोलते हैं जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपकी फाइल जो है वो इनक्रिप्टेड रहेंगी, हम उसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। तो डिक्रिप्ट करने का कोड तब देते हैं वो जब आप जो इनको पैसे देते हैं। तो वाना क्राई रैंसमवेयर था जिसने हेल्थ केयर सर्विस पर हमला किया था, ठीक हो गया। 93 है, मुंतरा जेल में से कौन सा एक एंटीवायरस नया सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, नॉर्टन भी था, एमके भी था, अवास्ट भी था, ठीक है। क्रोम जो है वो एक ब्राउजर है, तो इसका 93 का हो जाएगा डी, ठीक है। 94 है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर खुद का तरीके से किसी को भी डॉक्यूमेंट का डैश तख्लीकी करने की सलाहियत रखता है। तो जाहिर बात है टेबल ऑफ कंटेंट इसका 94 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ना इसका टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स होगा, ना कमांड्स होगा, ना टीओसी होगा, टेबल ऑफ कंटेंट है। 95 है, सॉर्टिंग डेटा को मुख्तलिफ डैश की बुनियाद पर तरतीब देने या उसकी तरतीब तब्दील करने का एक तरीके कार है। तो वो क्या है? तो जाहिर बात है क्राइटेरिया हो जाएगा 95 का सी। इसमें मतलब आता है कि आप जो है वो अपना डेसिमल कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, अल्फाबेट्स कर रहे हैं, न्यूमेरिक कर रहे हैं, वो सारी चीज में आती, क्राइटेरिया के अंदर आ जाती है, 95 का सी हो जाएगा। 96 है हमारा, साइमा ने अपने दफ्तर से मतलूबा डेटा हासिल कर लिया है, अब वो इस डेटा से अहम मालूमात हासिल करना चाहती है, ठीक है। उसका ये मकसद पूरा कर सकता है, मतलब उसका मकसद कैसे पूरा हो सकता है? जाहिर बात है जब उसने एक डेटा चुरा लिया किसी ऑफिस से जाके, अब वो अपनी एक रिक्वायरमेंट या डिजायर जो है उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना चाह रही है, तो उस डेटा को क्या करेगी? वो प्रोसेस करेगी, ठीक है, प्रोसेस करेगी। 96 का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। उस डेटा को आउटपुट इनपुट तो हो नहीं सकता, उस डेटा को हमारा स्टोरेज क्यों स्टोर क्यों करेगी, उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या करेगी, उस डेटा को प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद वो अपनी डिजायर इंफॉर्मेशन निकाल लेगी। तो 96 का हो जाएगा सी। 97 है, स्लाइड रूल कंप्यूटर्स के डैश डोर की मिसाल है, ठीक है। तो स्लाइड रूल बेसिकली हमारे मार्क वन मार्क टू में आता है, बहुत पुराने दौर की मिसाल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी, डार्क 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 कैरा की मिसाल है, बहुत पुराने दौर की मिसाल है ये, ठीक है। तो 98 है हमारा, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है ताकि कंप्यूटर उनकी हिदायत पर अमल कर सके। तो 98 का हो जाएगा सी। असेंबलर का काम यही होता है कि आपके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उसकी जबान समझ सके। 98 का हो जाएगा हमारा सी। इसी तरीके से हम चलते हैं अब 99 की तरफ, ठीक है। लाइट रोशनी एक डैश की मिसाल है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स में आप देखते होंगे कि डिजिटल सिग्नल्स जो है वो उसमें
रोशनी होती है, ठीक है, मतलब कि ना एनालॉग सिग्नल में होती है, एनालॉग सिग्नल तो वैसे ही जो है वो साइनसॉइडल वेव की तरह होता है, और हाइब्रिड सिग्नल नहीं होता हो सकता, ठीक है। इसका डिजिटल सिग्नल आंसर 99 का ए है, ठीक हो गया। अच्छा, अब है हमारा 100 क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लैंग्वेज को तब्दील करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएं और डैश सेलेक्ट करें। अब जाहिरी बात है, अगर हमें डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और किसको सेलेक्ट करेंगे, सेव को सिलेक्ट करेंगे, उससे तो सेव हो जाएगा, ओपन को करेंगे से तो ओपन हो जाएगा, एडवांस क्या एडवांस, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक हो गया। आप जाएंगे फाइल मेन्यू में और ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद जो डिजायर्ड ऑप्शन आएंगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप डिफॉल्ट लैंग्वेज शेप की चेंज हो जाएगी। तो आपका मैंने ये जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन जो है कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। 15 सितंबर आज वाला जो पेपर हुआ है, तो और भी मैं पेपर सॉल्व करूंगा। अगर इसमें कोई गलती है, आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने गलत बताई है या कोई क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बताया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनका कल पेपर होने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।